ये क्या कर रहे हो राइशा? ये कर क्या रहे हो पता है आपको? ये क्या है? क्या है ये? तो बीपी की मशीन। तो आप क्या कर रहे हो इससे? आप क्या कर रहे हो इससे? आपका थोड़ी ना भी बच्चों का बीपी हाई थोड़ी ना होता है। नहीं मोटा मोटा होता है वो अच्छा लगता है, क्या मतलब है? और बच्चे बीपी थोड़ी ना चेक करते हैं। इसमें क्या मजा आ रहा है? ये कोई गेम है? ये जो मोटा मोटा हो रहा है ये अच्छा लग रहा है? ये लगाया भी नहीं अभी आपने ठीक से। ये कोई गेम नहीं है वैसे। चल जल्दी गहरी से उतार, बस रख दो। नहीं वो आप तो कह, मतलब ये तुमने बीपी की मशीन को कोई गेम मशीन समझ रखा है? यस। ये लगाई देखो इसने कैसी है फ्रेंड्स। ये इसकी बीबी हर चीज को गेम बना रखा है राइशा ने। कोई मसाला नहीं। क्यों आपका हाथ दुख गया? आपके हाथ में दर्द हो रही है? 9600 दिखा के अभी तो हो रहा है, और जो हो भी रहा है वो भी गलत ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ठीक से नहीं लगाया ना, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। वैसे आपको पता होना चाहिए कैसे होता भी। गंदी बातें सारे तेरी तरह गंदी बातें करे है। गरम गरम तो कुछ भी नहीं ऐसा होता है इसमें, मुझे तो लगता है। चल रख कर आए इसे वापस जगह पर। चाय की पीजी पी दे, चाय पीजी पी दे, ऐसा लगता है सर का दर्द भी है। पैकेट खोल के दे रही हूँ। बैठ ही खा रही हूँ चाय, मीठी नहीं पी रही। मुझे पता ही है आपको खानी है इसलिए आप खोल रहे हो, इसलिए अभी नहीं। मम्मी आपको बाद में खाऊंगी, अभी नहीं खा रही, अभी नहीं खा, पक्का बाद में खाऊंगी। बाद में मेरे सामने खाना। हाँ हाँ खा लूंगी खा लूंगी। होली आई नहीं, और राइशा की होली की ड्रॉइंग्स बननी देखो शुरू हो गई। एग्जाम के दिनों में इनकी ड्रॉइंग्स। हाँ जी खा लो। करीना बार बार मीठा लेकर आ रही है मेरे सामने, मुझे भी खा लो। तू खाओ, नहीं तू भी मत खा, बहुत खा लिया मीठा। नाक अंदर घुसे पागल लड़की। मैं आपकी ड्रॉइंग दिखा रही थी सबको। अच्छा चलो मैं सिल्वर पेपर ले रही हूँ, आप अंदर की चॉकलेट ले लो। सिल्वर पेपर है ये, गोल्डन है। गोल्डन पेपर ले लो, आप अंदर की चॉकलेट ले लो। नहीं मुझे नहीं खानी, जब खानी होगी मैं आपसे ले लूंगी। ये देखो अच्छी बन गया है, बस इसके ऊपर ना हिंदी में लिख देना होली है। देख रहा है खाने की चीज को, गंदी बात। और भी अभी ड्रॉइंग्स बनेंगी, अभी तो ये रेड स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ड्रॉइंग है अभी तो। राइशा की होली भी है ना राइशा? होली भी है। इसे रख दे, सुनते ही नहीं है बच्चे बात। नहीं सुनते हम। क्यों नहीं सुनते? सुननी चाहिए। हम नहीं सुनते। नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? एग्जाम के दिनों में मस्ती आ रही है। हमारी मर्जी है। चल खाना खाए। क्यों नहीं सुनते? आज हमने क्या बनाया पता है आपको? आज हमने छोले बना लेते, क्योंकि आज है सैटरडे, हमने बना लेते छोले। तो छोले तो रात में सुन तो ले, छोले भिगोना भूल गए। फिर हमने क्या बनाया? हमने बता दिया छोले, वो भी तो छोले जैसे ही होते हैं। क्या कोई ये कर सकता है? अरे इधर देखे तू पागल पागल हो पता नहीं। वैसे आप बताओ क्या लग रहा है? मैं बना रही हूँ काली गाजर की कांजी। काली गाजर की कांजी तो ये कैसे बनती है? इसके लिए हमने ले लिया पानी, जो फिल्टर्ड करा हुआ पानी है। ये बोर्नवीटा का जार रखा था मेरे पास, मैंने उसमें लिया। और क्या क्या लिया हमने? ली
राई, पीसी हुई राई, काला नमक चाहिए हमें और नमक, नमक चाहिए और लाल मिर्च चाहिए, बाकी हमने और कुछ नहीं डालना, बस कांजी बनाने के लिए यही सब कुछ चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए। ये जो गाजर है ना छोटी छोटी, इन्हें हम बहुत छोटी छोटी काट लेंगे, जैसे हम सैलड में काटते हैं ऐसे, लंबी पतली और छोटी, देखो ऐसे, ये सारी गाजर हम इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। इसको कम से कम आपने 2 या 3 दिन की धूप लगवानी है, तब ये जाके रेडी होती है। और अगर आपके पास चुकंदर है तो आप इसके अंदर चुकंदर भी ऐड कर सकते हैं। लोग चुकंदर गाजर की मिक्स भी गांजी बन जाती है, चाहे आप अलग अलग भी बना सकते हैं। अभी मैंने चुकंदर मंगा रखी है तो मैं इसके अंदर चुकंदर भी एक ऐड करूँगी। तो ये है क्या करती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। जो हम इतनी सारी ग्रीन टी वगैरह लेते हैं, सबसे अच्छी हमारी ये हेल्दी ड्रिंक है, इसमें बहुत सारा आयरन है और बच्चों के चीक भी से लालो लाल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लालो लाल। और ये डाइजेस्ट 3 डेज में जाके रेडी होती है, मतलब आज तो नहीं मिलेगी ना, नहीं आज नहीं मिलेगी, अभी इसको 3 दिन की धूप लगवानी है, क्योंकि आज मैंने क्या किया था, बहुत तो इसको 3 दिन की अभी धूप लगाएंगे, 2 से 3 घंटे रोज इसे धूप में रखेंगे, फिर जाके ये रेडी होगी। किसी किसी के बाद तो धूप भी तैयारी होगी, नहीं अब तो धूप आनी शुरू होगी ना, और आप चाहो तो इसे फ्रिज में रख के थोड़ी सी ठंडी भी करके पी सकते हैं। बस ऐसे ये सारी की सारी कट करके पहले मैं इसमें डाल देती हूँ, फिर मैं आपको आगे की वीडियो दिखाती हूँ। जैसे होता है तो ये हमने डाली राई, ये देखो ये होगी 1 से 2 चम्मच के आसपास, 1 से 2 चम्मच के आसपास इसके अंदर, पर ना ये राई को मैंने पीस के रखा हुआ है पहले से, पीस के डालोगे तो ये खटास जल्दी होती है राई। और फिर डाला हमने ये 1/2 चम्मच काला नमक, और साथ में आएगा हमारा सेंधा नमक या जो भी नमक आप डेली में यूज करते हैं, थोड़ा सा वो डाल दीजिए, और फिर थोड़ी सी लाल मिर्च जिससे थोड़ा सा चटपटा लगे, चटपटा। आप इसे देखो, इसका कलर देखो फ्रेंड्स, अभी से ही चेंज होना शुरू हो गया, इतना इसके अंदर कलर होता है जो हमारी बॉडी को ये मिलता है, नेचुरल कलर। देखो और ये अभी 2 दिन में ना बिल्कुल रेड मेहरून जैसा हो जाएगा। हाँ तो बस ये अब हमने सब कुछ डाल दिया, और अब इसको हम बिल्कुल टाइटली बंद करेंगे। इसको हम कैसे बंद करेंगे, और अब ये जाएंगे हम इसे धूप में रखने, 3 दिन की धूप लगवानी है तभी जाके रेडी होगी। 2 या 3 दिन की धूप तो चाहिए होती है। फिर आप टेस्ट करके देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो और ऐड कर दीजिएगा। तो ये सिंपल से ऐसे होती है हमारी कांजी रेडी।